बीजेडी सांसद सस्मित पात्रों दस्तखत जाल होता अभियोग राज्यसभा दिल्ली सर्विस बिल आलोचना बेले आप सांसद राघव चड्डा एक प्रस्ताव आनी सस्मित पात्रों समेत पांच जन सांसदों दस्तखत रही तेरे से दस्तखत कर अभियोग कर प्रश्न उठू प्रस्ताव में केमी आपे आपे दस्तखत होगला सहमति बिना सांसदों ना प्रस्ताव में केमिति सामिल करागला बोली प्रश्न करिछंती सस्मित पात्र एने से अभियोग करिछंती स्वाधिकार भंग मामला अने माने भी अभियोग करिछंती राज्यसभा अध्यक्ष कार्यानुष्ठान नेबे बोली आशा रखिछंती सस्मित पात्र आप सांसद राघव चड्डा विरोध में स्वाधिकार भंग नोटिस होइछि। जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्डा जी और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था, मेरे सुनने में आया तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था, तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ हाउस। तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं था, कई सारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, जिनका भी नाम ऐसे डाला गया है। तो माननीय गृहमंत्री जी उस वक्त थे तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और उन्हें भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द हाउस विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर लुकिंग इनटू द मैटर। आई हैव गिवन अ कंप्लेंट एंड आई सेड दैट प्रिविलेज हैज बीन दिस थिंग। तो प्रिविलेज मोशन को एक्सेप्ट करना और उसको मूव करना ऑनरेबल चेयरमैन के हाथ में होता है, मेंबर्स के हाथ में नहीं, बट दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑब्वियसली। उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल करी है, ऑल ऑफ अस हैव फाइल्ड आवर रेस्पेक्टिव कंप्लेंट सेइंग दैट हमसे कंसेंट लिया नहीं गया था बिफोर टेकिंग सच एन एक्शन। ओके, तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशियली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया, 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया और इस बार भी अब जो थर्ड राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है इसकी संवैधानिक पीठ जो है ये भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। मैं जैसा कि मैंने कहा आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं, मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको।